विधायक जी, सभी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार जोरों शोरों से शुरू कर दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी कर रहे हैं? अरे हम लोग हर समय 24 घंटा जब चुनाव में रही थे, हमको लगा जब से जीते जुटे हैं, मेरा कला 24 आ गया फिर जुटे हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी दिन ऐसा बचा होगा। क्यों 7x24 चल रहा है विधायक जी? सपा वाले तो दिखे नहीं मुझे कहीं प्रचार करते विधायक जी। एक तरफ जो है लगभग जो इंडिया गठबंधन हुआ है, 18 पार्टियां जिसमें एक तरफ है, और ऐसे में मोदी जी किस प्रकार जो इस गठबंधन से किस प्रकार लड़ेंगे? अरे भाई इतना बड़ा सवाल हम कैसे जवाब दे पाएंगे, ये तो वही लोग देंगे, बड़े नेता, हम तो छोटे पूर्वक विधायक है, तो हमें यहाँ की बातें पूछो। पूर्व विधानसभा में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? एकदम तैयारी है, 5 लाख वोट से जीत रहे, इस पे हम बताएंगे जोर शोर से। हमारी विधानसभा से 1.5 लाख वोट पाएंगे, मैं अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी बता दूँ, पूरे उन्नाव जिले से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। पिछली बार 4,03,000 से जीते थे, अब की 5,03,000 से साक्षी महाराज जीत रहे हैं। क्या मुद्दे क्या होंगे इस बार? मुद्दे जो हैं जनता देगी वोट, तभी तो मुद्दे मिलते हैं जब जीत। जैसे ये बंसल बैठे हैं हमारे बगल में, ये 3 बार के प्रधान हैं, इसका मतलब कुछ कर रहे होंगे तब लोग जीत रहे हैं। भले मान लो विकास जितना वही है, इनके पास पैसा सुविधा उतना कर रहे हों, लेकिन प्यार से बोलते हैं, चाहत है लोगों को, जनता मानती है, सही है गलत है बोलो। कल तक वंशराज बंसल जी विपक्षी पार्टी में थे, आज आप बहुत लोग विपक्षी पार्टी में थे, आज सब भाजपा में भाग भाग आ रहे हैं, मैं कौन बड़ी बात, हम भी तो बसपा से लड़े थे भाजपा में, कौन नहीं बात, सभी जोतते हैं जब क्यों क्या अच्छी रीति नीति, जैसे हमको धानुक जी पसंद आ रहे हैं तो हम धानुक जी की जय कर रहे हैं, ये तो रीति नीति बात है, लगता है कि ये जनता काम कर रही पार्टी तो जनता साथ रहा जाए, तो सब जुड़ रहे हैं, कभी भाजपा के पास 2 सीटें थी, आज 300 पार है, क्यों?